नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल टेक मनमोहन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अपने मोबाइल फोन से जीमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो जीमेल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले अपने फोन में जीमेल ऐप को ओपन कर लीजिएगा। बाय डिफॉल्ट हम सभी के फोन में जीमेल ऐप दिया हुआ रहता है। तो जीमेल ऐप जैसे ओपन कीजिएगा कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने आएगा। तो सबसे नीचे यहाँ पे गो इट का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो गो इट पर आप एक बार क्लिक कीजिएगा। जैसे गो इट पर क्लिक कीजिएगा आपको नया पेज एक देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्लस का, उसके जस्ट बगल में लिखा हुआ एड एन ईमेल एड्रेस। तो एड एन ईमेल एड्रेस पर आप एक बार क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको बहुत ऑप्शन देखने को मिल जाती है। तो सबसे ऊपर में आपको गूगल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो गूगल पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे गूगल पे आप क्लिक कीजिएगा ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, चेकिंग इन्फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिल जाएगा। तो सबसे नीचे यहाँ पे देखिएगा क्रिएट अकाउंट का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाती है। तो क्रिएट अकाउंट पर आप एक बार क्लिक कीजिएगा। उसके बाद सबसे ऊपर में ही फॉर माई पर्सनल यूज पर आप क्लिक कीजिएगा। फॉर माई पर्सनल यूज पर जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक नया पेज देखने को मिल जाती है। फॉर माई पर्सनल यूज पर जैसे क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे एक नया पेज देखने को मिल जाएगा। इंटर योर नेम, यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिएगा। नाम डालने के बाद में यहाँ नेक्स्ट का बटन मिलेगा, नेक्स्ट पर आप एक बार क्लिक कीजिएगा। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको एक नया पेज देखने को मिलेगा। इंटर योर बर्थडे एंड जेंडर, तो यहाँ पे अपना जन्म तिथि डालिएगा और जन्म तारीख भी डालिएगा। यहाँ पे अपना मंथ डालिएगा जन्म तिथि का, यहाँ पे डे डालिएगा, उसके बाद यहाँ पे ईयर डालिएगा। ईयर डालने के बाद में यहाँ पे आपको जेंडर का ऑप्शन मिलेगा, जेंडर पर क्लिक कीजिएगा। मेल फीमेल जो भी है मेल फीमेल पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद सबसे नीचे आपको नेक्स्ट का बटन मिलेगा, नेक्स्ट पर आप एक बार क्लिक कीजिएगा। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा ये आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज मोबाइल नंबर, तो यूज मोबाइल नंबर पर आप एक बार क्लिक कीजिएगा। यूज मोबाइल पर जैसे क्लिक कीजिए कुछ इस प्रकार का फीचर आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आप नीचे आइएगा, यस यूज मोबाइल पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे यस यूज मोबाइल पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। जब अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा तो यहाँ पर गेट कोड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो गेट कोड पर आप एक बार क्लिक कीजिएगा। जैसे गेट कोड पर क्लिक कीजिएगा जो भी आप मोबाइल नंबर डालिएगा उस पे आपको गूगल की तरफ से एक 6 अंक का कोड जाएगा, तो उस कोड को यहाँ पे आप डालिएगा। कोड जब यहाँ पे डाल दीजिएगा तो यहाँ नेक्स्ट का बटन मिलेगा, नेक्स्ट पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा ये आपको अगला पेज पर ले जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा आई एग्री का, तो आई एग्री पर आप क्लिक कीजिएगा। जिसे आई एग्री पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। यहाँ पर आपको एक ऐसा पासवर्ड बनाइएगा जिससे कोई गेस ना कर सके कि ऐसा पासवर्ड हो सकता है। ABCD में से 2-3 अक्षर चुन लीजिएगा, 1-2-3 में से 2-3 अक्षर चुन लीजिएगा। एट्रेट हेच चैरेक्टर कोई भी आप लगा दीजिए, कम से कम 8 अंक का यहाँ पे पासवर्ड बनाइएगा। जब यहाँ पे पासवर्ड आप बनाइएगा उसके कॉपी को आप जरूर नोट कर लीजिएगा, कभी भी पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो उस पासवर्ड से आप दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट का बटन मिलेगा, नेक्स्ट पर आप क्लिक कीजिएगा। जिससे नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा आपको एक नया पेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम और आपका जीमेल आईडी देखने को मिल जाती है। तो ये वाला जीमेल आईडी को कॉपी पर आप नोट कर लीजिएगा, जब भी अपने मोबाइल को आप रीसेट कीजिएगा या दूसरे मोबाइल में आपको लॉगिन करना हो तो यही जीमेल आईडी और जो पासवर्ड अभी अभी आप क्रिएट किए वही पासवर्ड डालकर आप दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट का आपको एक बटन मिलेगा, नेक्स्ट पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा आपको अगला पेज पर यह ले जाएगा, प्राइवेसी एंड टर्म। इसे पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर पूरा पढ़ सकते हो, वरना इसे छोड़ भी सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आई एग्री पर आप क्लिक कीजिएगा। जिससे आई एग्री पर क्लिक कीजिएगा फिर से आपको एक नया पेज देखने को मिल जाएगी। उसके बाद सबसे नीचे आपको यहाँ पर मोर का एक ऑप्शन मिलेगा, मोर की ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप एक्सेप्ट पर क्लिक कीजिएगा ना यहाँ पर देखिएगा आपका जीमेल आईडी बनकर तैयार हो गया। ये वाला आपका जीमेल आईडी रहा।
तो दोस्तों इस प्रकार अपने मोबाइल फोन से जीमेल आईडी बना सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक दबा के जरूर जाइएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।